मनुष्य जीवन ही एक ऐसा श्रेष्ठ जीवन है कि मनुष्य जो है इस भव सागर से पार होकर के मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अगर उसे सदगुरु मिल जाए और सदगुरु से वो सत्य रास्ता मिल जाए, प्रेमी भक्तों सदगुरु से रास्ता तभी मिलता है जब आदमी जो है संतों की संगत करता है। संतों की संगत करने से कहते हैं संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए और बांस फांस और मीसुरी एक ही भाई बिकाए। संगत से अच्छी संगत से हमें अच्छा रास्ता मिलता है और गलत संगत से गलत रास्ता। देखो आप मथुरा वृंदावन जाएंगे, दाऊ जी जाएंगे, दाऊ जी में दाऊ जी का भोग जो है मिश्री से लगता है। मिश्री वहां का मुख्य प्रसाद है, मिश्री ही वहां से लोग प्रसाद के लिए घर लाते हैं। तो वहां बांस की डलैया हुआ करती हैं जिनमें मिश्री भरी होती है, कोई 5 किलो की होती, कोई 2.5 किलो की होती, ऐसे कम ज्यादा जिसमें जितनी क्षमता है प्रसाद लेने की। तो बांस की खपच्चों की डलैया में मिश्री भरी होती है, कांटे को उसे तल दिया जाता है तो जो बांस की खपच्चे हैं वो भी मिश्री की कीमत में ही तौल पड़ जाते। वैसे बांस न तो मीठा है और खाओ तो न लेगा। लेकिन मिश्री की कीमत में मिल जाता है। तो ये संगत का प्रभाव होता है। कहते हैं धारण करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि गुरु से वो मार्ग मिलता है, लेकिन गुरु भी कई तरीके के होते हैं। वैसे मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बताऊंगा कि वैसे तो गुरु बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक भक्ति की ओर परमात्मा की ओर ले जाने वाले 3 प्रकार के गुरु होते हैं। उन्हें आप लोग समझ लें, अपने हृदय में विचार कर लें कि हमें कौन सा गुरु मिला है, अब हमें कौन से गुरु की आवश्यकता है। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला होता है गुरु, दूसरा होता है सदगुरु, तीसरा होता है पूर्ण सदगुरु। तो गुरु किसे कहते हैं? गुरु जो है हमें शिक्षा देता है। शिक्षा जो है वो सिख धातु का शब्द है। किसका शब्द है? सिख धातु का। सिख धातु का मतलब ये व्याकरण की बात। सिख धातु का मतलब क्या होता है? सिख माने सीखना, सिख माने सीखना। जैसे गुरु
शिक्षा जो देता है वो हमें सिखाता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को सीख लो, याद कर लो। या कोई गुरु जो है पांच नाम देते हैं, कोई छह देते हैं, कोई सात देते हैं, यानी जो नाम जो है जिब्बा से, ओठ से, कंठ से लिया जाता है, कानों से सुन करके सीखा जाता है, वो शिक्षा में आता है। ये पहला गुरु देता है जो पहले खिलाफ तो हमें सिखाता है, मंदिर में जाना सिखाता है, भगवान के मंदिर में तीर्थों में जाना बताता है, व्रत रहना बताता है, मंत्रों को बताता है, नामों को बताता है। जैसे बहुत से नाम है, जैसे ओम निरंजन निरंकार सोम सतनाम आज नाम पाताली नाम सिंध नाम अजली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम हिरियम नाम श्रीयम नाम क्रियम नाम ओम नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणम ओम नमो शिवाय। यानी जो जिब्बा से ओठ से कंठ से जपने वाले नाम हैं उनको सिखाते हैं वे पहले क्लास के गुरु। इनके करने से लोगों के अंदर जो है भक्ति जागृत होती है, भक्ति की ओर हमारा मुख हो जाता है, हमारा मुख जो है किधर हो जाता है, भक्ति की ओर, भगवान की ओर मुख हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है, शुरुआत। और शुरुआत में आप जो है भले ही एमए कर लें, पीएचडी कर लें, लेकिन आपको पहले क्लास में जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं भाई? आ ई ए बी सी डी एक दो तीन 1 2 3 4 अंग्रेजी में, हिंदी में, किसी भी भाषा में आप जो है शुरुआत में गुरु जी के पास जन्म कराओ। और ये गुरु जो है, ये तो मैंने उन गुरु की बात बताई है जो धर्म की ओर भगवान की ओर मुख करते हैं। कुछ इसमें शिक्षा के भी गुरु आते हैं जो हिंदी उर्दू अंग्रेजी उड़िया मुड़िया तेलुगु पंजाबी सिक्किम भूटानी मराठी बंगाली गणित व्याकरण संस्कृत गृह विज्ञान आज को सिखाते हैं बताते हैं, वो भी इसी शिक्षा में आते हैं। देखो शिक्षा का मतलब होता है शिक्षा, यानी सीखना, याद याद। तो हमारा मुख जो है भगवान की ओर हो जाता है। ऐसे लोग जो है अगर तल्लीनता से गुरु का सम्मान करते हुए अपने मार्ग में लगे रहते हैं और कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में बताया है कि सदगुरु बैत सदगुरु बैत वचन बेस्वादा सदगुरु बैठ बचन के द्वारा सदगुरु बैठ बचन के द्वारा सदगुरु बैठ
बचन विश्वासा सदगुरु बैठे बचन विश्वासा सदगुरु बैठे बचन विश्वासा संयम ये न विस कर मेरे भगवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु जो है ऐसे होता है जैसे वैद्य होता है। जब हमें कोई रोग हो जाता है, कोई मर्ज हो जाती है, तो हम वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य हमें परहेज बताता है रोग के अनुसार। अगर हमें तरी का रोग है, कपसन्नी है, खांसी है, बात का रोग है, तो वैद्य ये बताता है कि ठंडी चीजों का प्रयोग न करें। बताता है कि नहीं? और ठंडी चीजों का प्रयोग करेंगे और दवा भी खाएंगे तो दवा जो है पूरा असर नहीं करेगी। ऐसे ही सदगुरु के वचनों पर विश्वास, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु के वचनों पर विश्वास करना। और कहते हैं संयम ये न विषय कर आशा। और उसका संयम क्या है, सावधानी क्या है कि आप जो है विषयों की ओर न जाए। कौन से विषयों की ओर? उन विषयों की ओर न जाए जो विषय तुम्हें भक्ति से वंचित करते हैं, भक्ति से हटाते हैं। जैसे पहले खान पान का संयम, अगर आप मांस खाएंगे, अंडा खाएंगे, मछली खाएंगे तो तुम्हारी भक्ति का अंकुरण नहीं होगा। खूब मंत्रों को जपते रहिए, सदगुरु को एक को छोड़ो और दूसरे को पकड़ लो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है जब तक ये विकार होगा, आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, अंडा खाएंगे, तब तक भक्ति का अंकुरण नहीं है। इसलिए ये चीज त्यागना पड़ेगा, विषयों की आग खत्म करनी पड़ेगी। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे उमा कहूं उमा कहूं से लोग अनुराग भाई बैठ जाए, उधर पीछे पीछे बैठ जाओ।
भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि उमा कहूं तेरी लोग अभागी। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि पार्वती वे लोग बड़े भाग्यहीन हैं। कौन से लोग? कि सब तजे होए विषय अनुरागी। सब चीजों को छोड़ करके विषयों से प्रेम करते हैं। प्रेम रखो विषय किसे कहते हैं? विषय कहते हैं जिसकी इच्छा बार बार होती है परंतु मन में तृप्ति नहीं होती है उसे विषय कहते हैं। जैसे लोग जो है बीड़ी पीते हैं तो एक बेरी बीड़ी पी ली, फिर कुछ देर बाद जो है रोटी खाई, फिर रोटी खाने के बाद फिर भी नकारी लगी है कभी। अब भैया के बताओ कि जैसे एक बीड़ी पी ली बाकी बाद फिर खाना खाने के बाद फिर पी ली, फिर थोड़ी देर बाद समय फिर गुजरा फिर भी नहीं गई फिर निकाल ली और फिर जो है धुआं धक्का करो फेंक ली फिर बैठे चुपको है फिर पी ली। अब तुमने जो अंदाज लगाओ पीर मारने से कहा था बुराई की बात ना है हमने ना कहा था कि छोड़ ऐसे ही पकड़े लो हमें खा के बताओ सुने। लेकिन जब बताता है जैसे एक पी ली जैसे तो आराम हो जाएगा चलिए कि ना फिर आराम कर देर हो मान ले। लेकिन देर हो आराम रात हो जाए नेक देर बाद फिर जरूर है फिर जरूर पड़ जाए। और देखो पांच मुद्राएं होती हैं भक्ति में, पांच मुद्राएं होती हैं। सबसे पहले गुरु पांच मुद्राओं का ज्ञान देते हैं चाचरी भूचरी खीचरी अगोचरी उन्मनी। ये पांच मुद्राएं उनमें से एक मुद्रा जो है खीचरी मुद्रा होती है। खीचरी मुद्रा में जिभ्या को पलट लिया जाता है। प्रेमी भक्तों अपने स्वाद को बदलने के लिए बाहर का स्वाद कुछ देर तक हम नहीं लेंगे, नाम में अपनी स्फूर्ति को लगाएंगे और हम लोग क्या करते हैं तमाकू की लकड़िया लकड़िया है खिचड़ी मुद्रा को पाते रहे। खिचड़ी मुद्रा जिंदगी में लगाई भी नहीं पाए खत्म। खिचड़ी मुद्रा को लगाने से शरीर की कोशिकाएं सबल रहती हैं, बुढ़ापा बहुत टाइम बाद आता है। ये मुद्रा जो है मीरा ने लगाई थी बहुत समय तक। इस मुद्रा से लगाने से सिद्ध हो जाने से जहर भी असर नहीं करता है। इस मुद्रा को भगवान शंकर जो है आज भी लगाए हुए है। समुद्र का मंथन हुआ उसमें जहर निकला शंकर जी को तभी पिलाया गया। मीरा जो है ज्यादा भक्ति करती थी तो कहते जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। राणा संग्राम सिंह उनके ससुर थे। लोगों ने ये बताया कि ये मीरा रविदास गुरु के दरबार में जाकर के नचती है, इसने उन्हीं को गुरु बना लिया है। और रविदास जो है जात के जातक थे, बिने बहुत खराब लगी जगह मैं छत्री हूं ठाकुर हूं मेरी लड़के की बहू जो है कहां नीच जाति के महात्मा के हिया जाते। जब सोची मर जाए कैसे
तो एक दफे तो जो है एक पिटारे में पौनिया नांग, पौनिया नांग का मतलब पौन हाथ का ले ठन बाको काफी बड़ू वो भेजा था। ये सोचा कि ये पिटारे को खोलेगी सामने ही, तो एकदम साफ छाती नहीं खाई लिए। तो एक कंचुकी को भेजा दासी को पिटारा, ये कहा कि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हारे लिए हार भेजा है। और मीरा जो है गुरुजी का नाम लेते ही खुश हो जाती थी, जबकि तुम्हारे गुरुजी ने हार भेजा है। मीरा ने पिटारा खोला तो उसमें जो काले रंग का सर्प पौनिया नाग उसमें बंद किया था वो काले रंग का हार बन गया। मीरा ने मारो उठाओ अपने गुदिया में डाल महाराज की। उस सेविका ने जाकर के वहां संग्राम सिंह से कहा कि उसमें तो हार निकला, वो मीरा ने गले में डाल लिया। जबकि बड़ी कम मखट देखो ना मरी तो सांप कैसे निकलो देखो हार बने गए। यही अब देखे तब अति जाया तो हला हल जहर मंगवाया प्याले में भेजा कि तुम्हारे गुरु महाराज जी ने ये चरणा में भेजा। मीरा ने कहा ओहो हमारे गुरु जी कितने धन्य हैं, मेरे लिए प्रसाद यही भेज रहे। मीरा ने पी लिया, लोग इंतजार करते रहे कि कम मरती है कम मरती है कम मरती है। मीरा जो है भजन गाने लगी और नाचने लगी, बिन्ने की इज्जत आए मरे है जगह। अब कितना देखा तो जंगल से एक शेर पकड़वाया, जंगली शेर पिंजरे में बंद था। मीरा के महल में दरवाजा खोल करके उतना ही शेर निकल जाए, दो ही शेर निकलो फिर दरवाजा बंद कर दो। शेर पहले दहाड़ा, मीरा ने सोचा कि मेरे गुरुजी जो हैं वो शेर बन के आए मुझे दर्शन देने। शेर जो है मीरा के पास जाकर के मीरा के तलवों को चाटने लगा, चारों तरफ ऊपर जो है छतों पर चारों तरफ से नर नारी देख रहे थे कि अब मीरा मारी जाएगी, सर खा वो शेर खा लेगा। लेकिन शेर बैठ गया वो ऊपर ऊपर जो है हाथ फराने लगी, वो तलवा चाटने लगा। तो देखो भक्त को कभी आंच नहीं होती है। ये प्रभाव किसका था? खिचड़ी मुद्रा का था। प्रेमी भक्तों तो जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो ज्यादा भक्ति नहीं हो पाती है तो मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है। फिर से कहते हैं भक्ति बीज फिर से नहीं चाहे डूब जाए अनंत, और नीच ऊंच घर जन्म हो संत और भक्त। चाहे छोटी जाति में जन्म ले चाहे बड़ी जाति में जन्म ले भक्ति का बीज खत्म नहीं होता। अब जो है दूसरे गुरु कौन से होते हैं? दूसरे गुरु होते हैं सदगुरु। सदगुरु कैसे होते हैं? और जो पहले मैं बता रहा था अभी वे नाम जपने वाले मंदिर में जाने वाले यज्ञ करने वाले व्रत रहने वाले भक्ति की ओर जिनका मुख हो जाता है वे अंत में स्वर्ग लोक तक पहुंच जाते हैं या फिर से मनुष्य जन्म उन्हें मिल जाता है, फिर चांस मिल जाता है भक्ति करने का। प्रेमी भक्तों दूसरे सदगुरु होते हैं वो हमें शरीर के अंदर जो प्रभु का नाम रमण कर रहा है रम रहा है जो कुदरती है जो पहले से ही है जो सबके अंदर है उसे बताते हैं। अंदर में ही मंदिर है,
अंदर में भी मंदिर। कहते मन मंदिर तन भेद कलंदर घटई तीर्थ नाबा, और एक शब्द जो प्राण बसत सो बहुर जन्म नहीं आवा। तो मन के अंदर जो मंदिर है, मन के अंदर मंदिर है, उस मंदिर को सदगुरु खोल देते हैं। तुम्हारी दो आंखों के अलावा तीसरी आंख को खोल देते हैं तो अंदर में भगवान का दर्शन होता है। महाराज की जय। मंदिर में घंटा संख मृदंग झांझ बांसुरी बीना सितार ये बजते हैं, तो इस मंदिर के अंदर जो मन के अंदर मंदिर है उसमें भी अनहद नाद के रूप में घंटा संख मृदंग झांझ बांसुरी बीना सितार बादल की गर्जन झिगुरी की आवाज ये आवाजें बज रही है। इस भक्ति को करने वाला ब्रह्मा के लोक में, भगवान विष्णु के लोक में, भगवान शंकर के लोक में जाता है। प्रेम भक्तों, और इसके बाद जो है गुरुजी जो है उन्हें एक माला देते हैं। पहले गुरुजी जो है वो काठ की माला देते हैं, जैसे तुलसी की, चंदन की, रुद्राक्ष की, मूंगा की, मोती की माला देते हैं। लेकिन जो सदगुरु होते हैं वो अंदर की माला देते हैं, जो अंदर में ही चल रही है, जो उंगलियों से नहीं चलानी पड़ती है, जो स्वतः चल रही है। और तीसरा गुरु होता है पूर्ण सदगुरु, पूरा सदगुरु होता है जो मोक्ष और मुक्ति का रास्ता बताता है। उसके पास वो न जपना बताते हैं, न अजपा बताते हैं, न अंदर की माला बताते हैं, अंदर का मंदिर बताते हैं। ये जीव जो है सतलोक से आया है, सतपुरुष उसका पिता है, उसका देवता है, उसका स्वामी है, उसका परमात्मा है, उसका भगवान है, सब कुछ जो है वो सतपुरुष से मिलाते हैं, उनका दर्शन कराते हैं। कभी तो कहते हैं, कभी साहब ने कहा है, क्या कहा है? कि पूरा साहेब से ही है जो सब विद पूरा हो, पूरा साहेब से ही है जो पूरा है वो सही जो समझ में पूरा। कहते हैं पूरे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि पूरा सदगुरु जो है
ज्ञान को बताता है जो मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। जीव को मोक्ष और मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर जीव को मालूम है, अगर जीव की वास्तविक गति करनी है, उस गति में जाना है, तो मोक्ष और मुक्ति के गति में। मोक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष का मतलब क्या है, ये जीव जो है 84 लाख योनियों के जेल में पड़ा हुआ है। कभी गधा बनता है, कभी ऊंट बनता है, कभी बैल बनता है, कभी भैंस बनता है, कभी हिरण बनता है। तरह तरह के पशु हैं, तरह तरह के पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, उनमें जाता है और बड़ी मुश्किल से कहीं मनुष्य का शरीर बनता है। तो मोक्ष को पाने के लिए जीव को जो है पूर्ण सदगुरु के पास जाना चाहिए। कहते हैं सदगुरु धारण करने के बाद भी लोग तीर्थों में जाते हैं और जाने क्या क्या करते हैं, व्रत रहते हैं, जगह बेजगह जाते हैं, लेकिन सहजोबाई कहती है, क्या कहती है कि अरसत तीरथ गुरु चरण अरे परवी हो तीरथ सकल अंड ब्रह्मांड अरे कहे जो सकल अंड ब्रह्मांड कहे जो ऐसा सकल भगवत प्रेमियों, जो पूर्ण सदगुरु होते हैं उनके चरणों में अरसठ तीर्थ होते हैं। सारी दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं उनकी गिनती जो है अरसठ है। सारी दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं उनकी गिनती अरसठ तीर्थ है। वो सब मिलाकर के गुरु के चरणों में अरसठ तीर्थ है। कहते सकल अंड ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया की बात नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अरसठ तीर्थ है, वो सदगुरु के चरण में होते हैं। बोल जयकारा, बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। अरे जाके मन विश्वास है अरे सदा गुरु तेरी संग, जाके और
मेरे भागवत प्रेमियों, कभी साफ कहते हैं जाके मन विश्वास है, जिसके मन में सदगुरु के चरणों का विश्वास है, सदगुरु में विश्वास है, सदा गुरु ते संग, गुरु जो पूर्ण सदगुरु होता है वो हमेशा उसके साथ रहता है। हमारे एका जिला में परिगमा का एक लड़का था, शर्मा लोगों का, वो अमरोहा में कारपेंटरी की फैक्ट्री में काम कर रहा था, तीसरी मंजिल पर। उसमें जंगला था पहले, वो जंगला निकल गया था, खराब हो गया था, जगह उसकी खाली पड़ी थी, तो थोड़े से रेस्ट टाइम पर वो उस पर अपने पाटे रखे हुए था, पैर लटकाए हुए था, अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो पीछे को झुक गया और झुक करके एकदम गिरने लगा। उसने कहा गुरुजी, और गुरुजी जो है नेक दूर नीचे जाए पाओ तो गोदी में ले लो और नीचे उतार। ऐसी हजारों घटनाएं हैं, क्यों कि गुरु जो है जिसके अंदर विश्वास होता है उसके साथ। कहते हैं काल जो है करोड़ों झकझोरा देता है, काल किसे झकझोरा देता है, जो लोग मंत्र लाए हैं, नाम लाए हैं, ये काम कर रहे हैं, उन्हें काल झकझोरा नहीं देता। क्यों कि वो तो काल का ही ज्ञान है, काल तो उनकी मदद करता है, सहायता करता है। झकझोरा उसमें देता है जिसमें उसे ये लगता है कि ये जीव हमारे खांचे से चला गया, अब ये सतलोक जाएगा, उसे रोकने के लिए वो झकझोरा देता है। लेकिन साधक में अगर विश्वास है तो काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रेम भक्तों, किसने धार सदगुर कहते हैं कि ऐसा करणधार सदगुरु मिल जाए। करणधार किसे कहते हैं, जो केवल कहने वाला ही न हो, कहने के साथ साथ करके दिखाने वाला। प्रेमी अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
ऐसे सदगुरु के चरणों में अगर प्रेम हो जाए, तुम कुछ न कर पाओ, सदगुरु को अपने हृदय में अगर बसा लो, जब तुम्हारे शरीर का अंत होगा, तुम्हारे चित्त में सदगुरु होगा, तुम्हारी रूह आत्मा जो है सदगुरु में विलय हो जाएगी। बोल जयकारा बोल रहे श्री गुरु महाराज की जय। और सदगुरु जो है नित्य प्रित सतलोक में जाते हैं, तुम्हारी रूह को ले जाकर के सतलोक में छोड़ आएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुम उसी गति को प्राप्त होगे जिस गति को बड़े बड़े योगी लोग प्राप्त होते हैं। लेकिन गुरु के चरणों में प्रेम हो और गुरु इतना पावरफुल हो तब ये बात है। लेकिन आगे साइकिल से तुम अमेरिका जाओ जाओ सुना पहुंच पाए, हवाई जहाज हो तो पहुंच पाए हो, कोई देना कहते हैं कि गुरु पद पंकज गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। बोल जयकारा बोल रे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। बोल जयकारा बोल रे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। सब साधन करे फल सुंदर। सब साधन करया फल सुंदर। सब साधन करया फल सुंदर। मेरे भगवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। गुरु जी के चरणों में पंकज माने कमल, कमल रूपी चरणों में निरंतर माने हमेशा अगर प्रेम है। सब साधन कर ये फल सुंदर। संसार में जितने भी साधन हैं, नाम के सुमरण के साधन हैं और साधन हैं, उन सभी साधनों में से सदगुरु के चरणों में प्रेम और सदगुरु की मूर्ति को अपने हृदय में बसाना, ये जो है साधन सबसे श्रेष्ठ बताते। बोल बोल श्री गुरु महाराज की। प्रेम भक्तों कहते हैं तभी तो विद्वानों ने ये बताया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर
ध्यान करने की कोई प्रक्रिया संसार में है? मूल प्रक्रिया यानी सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया तो क्या है? गुरु की मूर्ति का ध्यान, जो पूरा सदगुरु है उसकी बात चल रही है, पूरे सदगुरु की मूर्ति का ध्यान करना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पाद का। अगर पूजा की कोई मूल सामग्री है, साधन है, विधि है, तरीका है, तो गुरु जी के चरणों की पूजा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर कोई मंत्र है तो गुरु महाराज जी के जो वाक्य है, जो वचन है, उन्हें मंत्र के समान समझना चाहिए। अगर गुरु मूर्ति का तुम ध्यान करोगे, चरणों की पूजा करोगे, उनके वचनों का पालन करोगे, तो मंत्र के अंत में क्या कहा है? क्या कहा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मोक्ष तुमको प्राप्त हो जाएगा, गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर जरूर हो जाएगी। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहली चौपाई कौन सी लिखी है? सबसे पहली शुरुआत में कौन सी चौपाई लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या लिखी है? गुरु पद पद म पारा ये रामचरितमानस की बात है। तुलसीदास जी ये लिख सकते थे, बंदम रघुबर पदम पारा। रघुबर जो है श्री राम है, वो भगवान है, जो रामायण के मुख्य नायक है, प्रधान पात्र है, उनके बारे में लिख सकते थे, लेकिन नहीं। तुलसीदास जी ने बताया है गुरुदेव जो है वो भगवान से भी उनका दर्जा आगे होगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े किले के लागो पाए, बलिहारी जो आपने जो गोविंद दिए मिलाए, गोविंद तो पहले भी थे, राम तो पहले भी थे। जब मुझे ज्ञान नहीं मिला था तब मैंने उन्हें नहीं देखा, जब गुरु महाराज जी ने कृपा की तब गोविंद का उन्होंने दर्शन कराया, इसलिए मेरे लिए तो सर्वप्रथम गुरु महाराज जी है। बंदा गुरु पद पद म परागा, बंदा गुरु पद पद म परागा। Thank you.
मेरे भगवत बंधु तुलसीदास जी, इस रामायण की पहली चौपाई जो सबसे पहली चौपाई है उसमें क्या बताना चाहते हैं? वो कहते हैं कि बंदहूं गुरु पद पदम परागा। सबसे पहले तुलसीदास जी ने बताया है कि सबसे पहले गुरु महाराज जी की चरणों से लेकर के सिर तक पूरे शरीर की वंदना की, गुरु महाराज जी की मूर्ति की वंदना की है, फिर उसके बाद किसकी वंदना की है? चरणों की वंदना की। बंदहूं गुरु, पहले गुरु जी की वंदना की, फिर पदम, पदम माने चरण, फिर तीसरी बार किसकी की है? पदम परागा, जो चरणों में मिट्टी के कण लगे हुए हैं। लोगों, जो मिट्टी के कण लगे हुए हैं, पदम परागा सुरुचि सुमास सरस अनुराग, वो भी सुंदर रुचि के अनुसार, सरलता के साथ, अनुरागा माने प्रेम के साथ, जो मिट्टी के कण लगे हुए हैं उनका क्या करते हैं? गुरु जी के चरणों को धोते हैं। धोते कि नहीं? हम हिया की बात ना कर, शास्त्रों की बात बता रहे हैं, और यूं की बात कह सकते, जिसको पूरा सद्गुरु मिलता है उसके चरणों को धोया जाता है, आरती की जाती है, पूजा की जाती है, दंड प्रणाम किया जाता है, लेकिन गुरु को नहीं किया जाता है। गुरु की केवल प्रार्थना की जाती है, न आरती की जाती है और न पूजा की जाती है, न दंड प्रणाम किया जाता है, न चरणामृत किया जाता है। प्रेम भक्तों, चरणामृत का कितना बड़ा प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरी चौपाई में चरणामृत का प्रभाव बताते हुए क्या बताया है? कहते हैं कि श्री गुरु पदा श्री गुरु पद नख मन गण जो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, उसमें मणि माने मर, गण माने समूह, अनेकों मणियों का जो समूह है जिसमें प्रकाश होता है, ऐसे अपने दोनों भौं के बीच के हिस्से को नाखून के अंगूठे के नाखून पर लगाने से सेवत दिव्य दृष्टि ही होती, सेवन करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की है। और चरणों को धोकर के उसमें जो मिट्टी के कण जो है पानी में आ जाते हैं उसका क्या प्रभाव है, उसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं?
कि अम यमूर अमिय मूर में चूरन जा समन सकल भव रुचि मेरे भगवत प्रेमियों, जब साधक चरणों को धोता है तो चरणों में लगे हुए मिट्टी के कण पानी में धुल के आ जाते हैं। उसको जब साधक सेवन करता है तो अंदर में पानी के साथ पेट में वो कण ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो सारे शरीर को चार्ज कर देते हैं। बोल जयकारा बोल रहे श्री गुरु महाराज की जय। जब अपने मस्तिष्क को गुरु के चरणों के अंगूठे के नाखून में लगाते हैं तो उसमें लगे हुए कण जो है तुम्हारे माथे पर लग जाते हैं, फिर वे ऊपर से धीरे धीरे नीचे आते हैं तो ऊपर से पूरे शरीर को चार्ज कर देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। शरीर के अंदर भक्ति का प्रवाह दौड़ जाता है और साधक जो है भक्ति की ओर अग्रसित हो जाता है और भजन में ध्यान में मन लगने लगता है, सत्संग में मन लगता है और संगत की सेवा करने में मन लगता है। बोल गए तारा बोल गए श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति जो है जो भक्ति है जागृत हो जाती है, भगवान की ओर मेरा मुख हो जाता है और गति होने लगती है। धीरे धीरे साधक जो है जब अच्छा साधन करता है तो आगे चल करके वो नित्य भगवान के दरबार में जाने लगता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भगवान का दर्शन करने लगता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है कि हर दरबारी हर साधु है, हर इनसे सबक हो।